हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आई होप कि आप सब अच्छे होंगे खैरियत से होंगे जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगी स्कॉलरशिप पे uh, कैसे प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए कोरिया में अप्लाई करते हैं मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए बैचलर्स uh, के लिए भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे लेकिन मुझे उनका नहीं पता बैचलर्स के लिए कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो अवेलेबल हैं जैसे केजीएसपी होगी जेके जी एस हो गई प्रोफेसर स्कॉलरशिप जो है ना वो बैचलर्स के लिए नहीं होती तो हम बात करेंगे मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे वैसे तो हर चीज गाइस गूगल पे मौजूद होती है यूनिवर्सिटी को कैसे ढूंढा जाए प्रोफेसर को कैसे ढूंढा जाए ईमेल कैसे लिखी जाए रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाए सब कुछ गूगल पे होता है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ना वहां से ज्यादा समझ नहीं आती तो मुझे इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा लोग पूछ रहे होते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है मैं बना तो रही हूँ आपने देखनी है और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है और फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पूछोगे ना आपके ये कैसे करना है वो कैसे करना है तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ मैं यही लिंक आपको दूंगी कि जाके वहां पे देख लो कि ईमेल कैसे लिखते हैं और प्रोफेसर को कैसे ढूंढते हैं और कैसे कांटेक्ट करते हैं तो क्या प्रोफेसर को ढूंढने का तरीका बहुत सिंपल है बहुत आसान है गूगल पे कोरियन यूनिवर्सिटीज लिखे हैं आपके पास पूरी कोरिया की यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट आ जाएगी वहां से आप कुछ यूनिवर्सिटीज चूज करें कुछ सोल की कुछ सुअन की कुछ जेजो आइलैंड की कुछ किधर की कुछ किधर की डिफरेंट सिटीज में से कुछ टॉप रैंक कुछ मेड एंड कुछ लो रैंक यूनिवर्सिटीज एक लिस्ट बना लें उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो आपको आपका डिपार्टमेंट तो पता है ना कि आपने किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है जैसे मैं हूं तो मेरा इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो उस डिपार्टमेंट में मैं जाऊंगी डिपार्टमेंट में जाने के बाद मैं ढूंढूंगी फैकल्टी फैकल्टी की लिस्ट में मुझे सारे प्रोफेसर की जो प्रोफाइल है वो नजर आ जाएंगी प्रोफेसर की प्रोफाइल में उनके रिसर्च पेपर्स उनके प्रोजेक्ट उनकी ई मेल उनके कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन हर चीज लिखी हुई होती है कि ये प्रोफेसर किस चीज पे काम कर रहे हैं तो वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आप प्रोफेसर की प्रोफाइल पे जाके उनके पास्ट रिसर्च पेपर्स उनके जो ऑन गोइंग या पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको देख के तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये प्रोफेसर जो हैं ये किस पर्टिकुलर टॉपिक टॉपिक पे काम कर रहे हैं इनका रिसर्च टॉपिक क्या है अगर तो वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है या आपके इंटरेस्टेड जो रिसर्च एरिया है उससे अलाइन करता है तो आप उस प्रोफेसर के कुछ एक दो पेपर्स पढ़ लिए या उसका प्रोजेक्ट देख लिया कि वो किन चीज़ों पर काम कर रहा है तो Uh, वहां से आप प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हो प्रोफेसर की ईमेल भी प्रोवाइड होती है वहां पे तो ये तो तरीका हो गया प्रोफेसर को कैसे ढूंढा जाए और ईमेल uh, लिखने से पहले गाइस प्रोफेसर की प्रोफाइल जरूर चेक कर लें आप ये बहुत ज़रूरी है जस्ट प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट देख के देखते और ईमेल उठा के उनको ईमेल नहीं कर देनी बिकॉज अगर तो आपकी ई मेल एक नहीं है ना एट्रेक्टिव नहीं है तो प्रोफेसर आपको कभी भी आंसर नहीं देगा तो इट्स इट्स बेटर के पहली बार में ही प्रोफेसर को जो उसके रिसर्च पेपर्स हैं या जो प्रोजेक्ट है उनको एक दो बार पढ़ लें उस पर नजर डाल लें कि वो किन चीजों पे काम कर रहे हैं ताकि जब आप ईमेल लिखें तो आप अपनी रिसर्च को प्रोफेसर की रिसर्च से अलाइन कर पाएं कनेक्ट कर पाएं कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो उस स्पेसिफिक प्रोफेसर की ही लैब में कैसे आपको पता चला कि वो क्या काम कर रहे हैं आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है तो ये सारी चीजें ना आपको देखनी होती हैं ये तो होगी कि प्रोफेसर को कैसे ढूंढा जाए प्रोफेसर को ईमेल करने के लिए Uh, आपको बहुत लंबी चौड़ी ईमेल नहीं लिखनी बस एक छोटी सी ईमेल लिखनी है कम से कम तीन पैराग्राफ ज्यादा से ज्यादा चार पैराग्राफ तीन पैराग्राफ की ईमेल में आप सारा कुछ कवर कर सकते हो आराम सुकून से ठीक है फर्स्ट पैराग्राफ में आपने प्रोफेसर को डियर प्रोफेसर करके एंड देन ग्रीटिंग्स एंड देन आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे आपका नाम क्या है ठीक है आपका नाम हो गया आपने आपका मेजर क्या था लाइक like, Uh, जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो मैं बताऊंगी कि मैंने उसमें ग्रेजुएशन किया है इस ईयर में किया है इस यूनिवर्सिटी से किया है एंड देन आप बताओगे कि आप क्यों उस प्रोफेसर को ई कर रहे हो टू अप्लाई फॉर मास्टर्स और पी फॉर अपकमिंग सेमेस्टर ठीक है बस तीन चार लाइनों को आपने सिर्फ इतना फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है सेकेंड पैराग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें आप uh, प्रोफेसर को बताओगे कि आपने प्रोफेसर को कहाँ से ढूंढा लाइक जैसे कुछ प्रोफेसर की आ, जो वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं होती लेकिन गूगल स्कॉलर पे आप उनको ढूंढ सकते हो या रिसर्च गेट पे आप उनको ढूंढ सकते हो या उनकी अपनी प्रोफाइल पे आप जाते हो तो आप आ, स्टार्ट यहीं से कर देते हो कि फ्रॉम योर वेब पेज या फ्रॉम योर लैब वेबसाइट आई सा दैट यू आर वर्किंग ऑन दिस दिस टॉपिक्स बट योर दिस रिसर्च प्रोजेक्ट दिस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट इंटरेस्ट मई कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है क्यों है बिकॉज मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है और मैं इस चीज़ पे काम करना चाहता हूँ अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट आइडिया है तो ठीक है आप थोड़ा सा एक दो लाइनों में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो इन फ्यूचर नहीं है तो आप जस्ट बता सकते हो कि आप डीप लर्निंग इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन में काम करना चाहते हो और uh, कौन से पर्टिकुलर फील्ड जैसे मेडिकल इमेजिंग हो गई या ऑटोमेटिक uh, जो आपकी वो होती हैं व्हीकल्स होती हैं उनमें हो गया कुछ भी हो गया आप कोई भी टॉपिक चूज कर लो ठीक है आ, ये तो हो गया आ, प्रोफेसर की रिसर्च से आप अपनी रिसर्च को कैसे अलाइन करोगे ठीक है देन अगर आपकी कोई स्किल्स हैं ठीक है वो आप लिखोगे आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं आप उनको मेंशन करोगे जैसे कुछ लोगों ने अवार्ड्स या गोल्ड मेडल वगैरह लिए होते हैं बैचलर्स या मास्टर्स में आप वो भी मेंशन कर सकते हो ईमेल में आपका कुछ रिसर्च पेपर्स हैं पब्लिश हैं आप वो भी मेंशन कर सकते हो आपका कोई प्रोजेक्ट आपने किया और वो भी पब्लिश्ड है आप वो भी मेंशन कर सकते हो या आप बता सकते हो कि मेरा जो थीसिस था मास्टर्स या पीएचडी में वो ये सॉरी बैचलर्स या मास्टर्स में वो ये था तो सेकंड पैराग्राफ में जो आप उसकी समरी लिखते हो ना वो आपका रिसर्च एरिया प्रोफेसर की रिसर्च आप उन दोनों को कैसे अलाइन करते हो और आपको उसी स्पेसिफिक प्रोफेसर के अंडर क्यों काम करना है कौन से ऐसे प्रोजेक्ट कौन से ऐसे रिसर्च पेपर हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं Uh, जिनकी बेस पे आप उन प्रोफेसर को चूज कर रहे हो बाकी सारे प्रोफेसर में से तो ये हो गया सेकंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ को आपने बस कंक्लूड करना है कि अगर तो आप प्रोफेसर आपकी ईमेल पढ़ लेते हैं तो एक इंटरव्यू या फिर फर्दर डिस्कशन के लिए ही कैन ईमेल यू बैक और अरेंज एन इंटरव्यू टू गेट टू नो मोर अबाउट रिसर्च टॉपिक या रिसर्च इंटरेस्ट जितने भी हैं आपके उसके बारे में तो आप बस थर्ड थर्ड जो पैराग्राफ होता है ना वो आप कंक्लूड करते हो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन सेकंड में आपका रिसर्च एरिया एंड प्रोफेसर की रिसर्च उन दोनों को अलाइन करना आपका रिसर्च आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो या फिर आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं या कुछ बहुत अच्छी स्किल्स हैं तो उनको आप मैंशन कर सकते हो और थर्ड पैराग्राफ में आपने कंक्लूड करना है बस दैट्स इट इतनी सी आपने ई लिखनी है अब आते हैं अटैचमेंट्स पे सिर्फ ई नहीं सेंड करनी जब भी आप किसी प्रोफेसर को पहली दफ़ा ई सेंड करोगे तो आपने डिटेल्ड अपनी जो अचीवमेंट्स हैं या डिटेल्ड आपकी जो एजुकेशनल uh, बैकग्राउंड है या आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है या जो भी है आप अपनी सीवी में मेंशन करोगे आप साथ अटैच करोगे अपनी एक रिज्यूमे या सीवी या फिर या फिर नहीं और एंड सेकेंड आप ट्रांसक्रिप्ट एम एस या बैचलर्स जो भी आपने किया हुआ है उसकी ट्रांसक्रिप्ट अगर तो एम एस की है तो एम एस एंड बैचलर्स दोनों की अगर तो बैचलर्स किया है तो बैचलर्स की बाकी मैट्रिक एंड वो एफ एस सी उन सब की अटैच करने की जरूरत नहीं है रिसेंट जो डिग्री की हुई होगी उसकी आपने एक ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है अगर आपने आइर्ट्स किया है तो आइट्स एड्स का सर्टिफिकेट ऐड करना है अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं तो या तो आप उनकी लिंक दे दें ई मेल में अगर वो नहीं आपने दिए हुए वैसे लिंक भी दे दें और पेपर भी साथ अटैच कर दें तो ज़्यादा अच्छा है या अगर के अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल या फिर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है तो आप वो भी अटैच कर सकते हो लेकिन पहली ई में मेरे ख्याल से वो अटैच करने की ज़रूरत नहीं है वो आप ऑन डिमांड रखें अगर प्रोफेसर आपसे मांगते हैं कि आप मुझे रिसर्च प्रपोजल लिख के दें तो फिर आप लिख के सेंड कर सकते हैं तो गैज इतना सा है ईमेल सेंड करने का तरीका मैं वीडियो के एंड पे ना एक पिक्चर शेयर कर दूंगी आपके साथ जो एक ईमेल मैंने लिखी थी जब मैंने अप्लाई किया था अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करके ऑब्वियसली तो आप उसको अपने तरीके से लिख सकते हो यूज़ कर सकते हो तो ये था प्रोफेसर को अप्रोच करने का और ईमेल लिखने का तरीका बहुत ही आसान है कोरिया में स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए ना कभी भी किसी एजेंट को पैसे मत दीजिएगा आप खुद से कर सकते हो एजेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता ना ही कोई यहाँ पे आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको वो कर सकता है क्योंकि प्रोफेसर यहाँ पे किसी की भी नहीं सुनते वो डायरेक्ट ई पे ही काम करते हैं आपकी जो ई आप ख़ुद उनको भेजोगे देन वो आपके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन अगर होता है या रिजेक्शन होती है इंटरव्यू के बाद या पहले वो आपसे रिसर्च प्रपोजल का भी कह सकते हैं इंटरव्यू के लिए आपके आपसे वो एक प्रेजेंटेशन का भी कह सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है जब भी आपने प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है आज की वीडियो के लिए इतना सा ही कल इंशाल्लाह आऊंगी मैं एक और वीडियो के साथ टॉपिक आप मुझे बता दीजिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बाय